हाय फ्रेंड, देखिए आज हमने रेक्टेंगल टेबल कवर बनाए हैं। एक साइड से हमने 1 2 3 4 5 6 लगाया हुआ है और एक साइड से 8 लगाए हुए हैं। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लगाए हुए हैं इसमें हम टिक्की। तो ये डिजाइन आप लोग कैसा लग रहा ज़रूर बताइएगा। पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो डिजाइन कैसा लग रहा ज़रूर बताइएगा। इसे बनाने के लिए हमने 4 नंबर क्रोशिया यूज़ किया है और 4 प्लाई के उलन से हम पूरा बनाए हैं। इसे बनाने में हमारे 50 ग्राम से ऊपर उलन लगा है। तो डिजाइन कैसा लग रहा ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम। तो बनाने के लिए हम पहले ऐसे गाँठे लगा के चेन कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 5 चेन करके पहले वाले में हम ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे ऐसे। उसके बाद से फिर 1 2 3 4 5 फिर 5 चेन करेंगे। सेम ये जो चेन बनाए हैं इसी में ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। फिर 1 2 3 4 5 फिर 5 चेन, फिर इसी में ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। फिर 1 2 3 4 5 फिर 5 चेन, फिर इसी में जो 5 चेन किए हैं इसी में ज्वाइंट करते जाएंगे। फिर 1 2 3 4 5 5 चेन और फिर इसमें ज्वाइंट करके ऐसे, और ये पहले जो चेन बनाए हैं इसमें ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए फिर 1 2 2 चेन फंदे लेंगे, 2 चेन करके फंदे लेंगे। फिर ऐसे डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। तो एक चेन एक ये 2 हुआ 3 4 ऐसे 4 डबल क्रोशिया हम इसमें बना लिए। उसके बाद से फिर 1 2 2 चेन कर लेंगे, 2 चेन करके फंदे लेंगे। फिर से 4 डबल क्रोशिया इधर भी बनेगा। तो पहले 3 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। 1 2 3 3 डबल क्रोशिया बना के फिर 2 चेन कर लेंगे ऐसे, 2 चेन करके नीचे ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे ऐसे। फिर यहाँ पर ऐसे बांधेंगे दूसरे वाले में। फिर इसमें भी 1 2 2 चेन फंदे लेंगे और फिर सेम यही चीज़ें बनाना है हमें। तो ऐसे 1 1 2 हुआ 3 1 4 4 डबल क्रोशिया बना के फिर 1 2 2 चेन कर लेंगे। 2 चेन करके फंदे लेके फिर से ऐसे 1 2 3 4 ऐसे, सॉरी 3 डबल क्रोशिया पहले बना लेंगे हम। 3 डबल क्रोशिया बना के फिर 1 2 2 चेन करके नीचे ऐसे करेंगे तो 4 डबल क्रोशिया हो जाएगा। देखिए ऐसे, फिर उसके बाद ये दूसरे वाले में जाएंगे ऐसे। फिर 1 2 2 चेन फिर सेम यही चीज़ें बनाना है हमें ऐसे। 2 3 4 ऐसे 4 हो गया। फिर 1 2 चेन फिर ये। तो पूरे जगह पे ऐसे बना के फिर 2 चेन करके नीचे ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। और ऐसे ज्वाइंट करने के बाद से फिर इसमें हम पहले वाला जो बनाए हैं चेन उसमें ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए ऐसे, और इसे हम कट करके निकाल लेंगे। फिर बैक साइड ऐसे करके हम यहाँ पर ऐसे निकालेंगे। देखिए उसके बाद से फिर दूसरा सेम ऐसे ही बनाना है और इसमें ज्वाइंट करना है। तो 1 2 3 4 5 5 चेन करके फिर से बनाएंगे सेम टू सेम जैसा बनाए हैं ऐसे। 1 2 3 4 5 फिर सेम होल में ऐसे, और फिर से 1 2 3 4 5 फिर सेम होल में ऐसे 4 बना लेंगे। फिर पहले वाले में ऐसे ज्वाइंट करके 1 2 चेन करेंगे और डबल क्रोशिया हम बनाएंगे इसमें। तो 4 डबल क्रोशिया पहले कर लेंगे। तो 2 हुआ 3 1 4 ऐसे 4 डबल क्रोशिया 4 डबल क्रोशिया बना के 1 चेन करेंगे और इसमें हमें ज्वाइंट करना है। तो ये 2 2 चेन जो किए हैं इसमें ही ज्वाइंट करेंगे ऐसे। तो ऐसे लेके और इसमें हम ऐसे ज्वाइंट कर लेते हैं। फिर 1 चेन कर लेंगे, फिर सेम चीज़ें यही बनाएंगे यहाँ पर ऐसे। 1
दो तीन ऐसे, फिर एक दो चेन और फिर नीचे ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे हम, फिर दूसरे वाले में चले जाएंगे हम, फिर एक दो चेन और फिर फोर डबल क्रोशे इधर बना के दो तीन और एक चार, फोर डबल क्रोशे ऐसे बना लेंगे, फिर एक चेन करेंगे और फिर इसमें भी ज्वाइंट करेंगे, इसके दूसरे वाला है जो इसमें, फिर एक चेन, एक एक चेन करना है और ज्वाइंट करना है, अब फिर सेम ऐसे ही बनाना है यही चीज़, तो एक दो तीन और फिर एक दो चेन और नीचे ऐसे फिर ज्वाइंट कर लेंगे और फिर दूसरे वाले में चले जाएंगे, तो सेम यही बनेगा। तो हम बना के यहाँ ज्वाइंट करके कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने ये दोनों बना कंप्लीट कर लिया है, अब ऐसे ही बनेगा सेम यही चीज़ें, फाइव चेन मिडिल का करेंगे, फाइव फाइव चेन करके ये बनाएंगे, उसके बाद फोर फोर डबल क्रोशिया बना के ऐसे ज्वाइंट करते जाएंगे। तो हम और ऐसे बना ले रहे हैं, फिर आगे दिखा रहे हैं। तो देखिए हमने ये लंबाई में बना लिया है, हम सेवन टिक्की यहाँ ज्वाइंट किए हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सेवन टिक्की ज्वाइंट किए हैं। अब उसके बाद हम इस साइड ज्वाइंट करने को दिखा दे रहे हैं। तो इधर ज्वाइंट करने के लिए देखिए वाइट यहाँ है तो यहाँ ब्लू ज्वाइंट करेंगे, तो यहाँ पे हम बनाए हैं एक चेन करके और इधर यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे इसमें, तो यहाँ पर ऐसे हम ज्वाइंट कर ले रहे हैं, फिर एक चेन करेंगे, सेम यही चीज़ें बनेगा, फिर फोर डबल क्रोशिया यहाँ बनाना है हमें, तो पहले तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे, दो एक तीन और एक दो चेन करके नीचे सेम होल में ही ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे पहले, और उसके बाद से फिर दूसरे वाले में हम चले जाएंगे यहाँ पे, फिर एक दो चेन और फिर सेम चीज़ें यहाँ पर भी ऐसे, दो तीन एक चार ऐसे फोर बना लिए डबल क्रोशिया, फिर एक चेन करेंगे और ये दोनों के बीच में हम ज्वाइंट करेंगे यहाँ पे, वाइट और ब्लू ज्वाइंट किए हैं यहाँ पर, तो हम इधर ये ब्लू कलर में ही ज्वाइंट कर लेते हैं ऐसे, और उसके बाद फिर एक चेन करेंगे, फंदे लेंगे, फिर से फोर डबल क्रोशिया इधर बनेगा, तो पहले एक दो तीन और उसके बाद से दो चेन करेंगे, नीचे ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, देखिए और नीचे ऐसे ज्वाइंट कर लिए, फिर दूसरे वाले में चले जाएंगे और फिर सेम यही चीज़ें बनेगा। अब यहाँ पर ऐसे बना लेंगे जैसे बनाए हैं, तीन एक चार ऐसे हो जाएगा, फिर यहाँ पर दो चेन कर लेंगे, फिर यहाँ पर फिर फोर बना लेंगे ऐसे, एक दो तीन और फिर एक दो चेन, फिर नीचे ऐसे ज्वाइंट और फिर दूसरे वाले में, तो इधर ये दो साइड ज्वाइंट हुआ है दो जगह और इधर ये बन जाएगा, तो यहाँ तक बना ले रहे हैं। तो अब इसके बाद से हम यहाँ पर ये ब्लू के सामने वाइट लगाएंगे, तो देखिए वाइट हमने ये बनाया है एक चेन करके, आप इसमें पहले ये ब्लू वाला में यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे जो ज्वाइंट किए हैं, इसमें ऐसे लेके यहाँ पर ज्वाइंट कर ले रहे हैं और फिर एक चेन करेंगे, फंदे लेंगे और फिर ऐसे एक दो तीन और फिर एक दो चेन और फिर नीचे ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे और फिर दूसरे वाले में चले जाएंगे ऐसे, फिर एक दो चेन, फिर सेम वही चीज़ें बनाना है जैसे बनाए हैं, तो दो तीन एक चार, फोर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन करेंगे और ये तीनों जो ज्वाइंट है उसमें अब ज्वाइंट करना है हमें, तो ऐसे लेंगे और ये लेके हम इसमें ज्वाइंट करेंगे यहाँ पे, तो ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे ये, फिर एक चेन करेंगे और एक चेन करके फिर से फोर डबल क्रोशिया हम यहाँ पर बना लेंगे, एक दो तीन और एक दो चेन करके नीचे, तो फोर डबल क्रोशिया हो गया यहाँ पर भी, फिर दूसरे वाले में जाएंगे, फिर एक दो चेन और फिर ऐसे दो तीन चार, ऐसे फोर डबल क्रोशिया हुआ, एक चेन और फिर अब इसमें हम ज्वाइंट करेंगे, ये ब्लू और वाइट ज्वाइंट है यहाँ पर, ऐसे लेके और यहाँ पर ऐसे हम ये वाइट वाले में हम ऐसे लेके ज्वाइंट कर लेते हैं, देखिए फिर एक चेन कर लेंगे, एक चेन करके फिर सेम चीज़ें बनाएंगे हम, से एक दो
तीन और एक चार, सॉरी तीन और ऐसे चेन करके नीचे चार ऐसे, फिर यहाँ पर आ जाएंगे और फिर ऐसे एक दो और ऐसे दो तीन चार, एक दो चेन और फिर से सेम चीज़ें, एक दो तीन और उसके बाद से दो चेन कर लेंगे, दो चेन करके नीचे ऐसे जॉइंट कर लेंगे और उसके बाद से फिर दूसरा वाला जो फर्स्ट में बनाए हैं चेन वहाँ पे आएंगे, ऐसे जॉइंट करेंगे और ये कट करके निकाल लेते हैं। ऐसे हुआ और इसे बैक साइड ऐसे लगा देंगे, तो देखिए अब ये चार टिक्की ऐसे इधर से हो गया ऐसे जॉइंट, इधर से भी दो हम जॉइंट करने को दिखा दिए, इधर से सेवन टिक्की है, इधर से ये दो। अब उसके बाद फिर यहाँ पर ब्लू कलर लगेगा, ये कलर यहाँ बनाएंगे लगाएंगे सेम चीज़ें, ऐसे ही जॉइंट होगा यहाँ पर फिर यहाँ पर फिर यहाँ पर, फिर ऐसे बना लेंगे, फिर यहाँ व्हाइट ब्लू के सामने व्हाइट, व्हाइट के सामने ब्लू, ऐसे लगेगा बनेगा, फिर स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही बनते जाएगा। तो हम और बना ले रहे हैं, फिर आगे दिखा दे रहे हैं। तो देखिए हमने ये बनाया है एक साइड से, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ टिक्की ज्वाइंट किए हैं और एक साइड से एक दो तीन चार पाँच छः सिक्स टिक्की ज्वाइंट किए हैं, यानी कि हम रेक्टेंगल बनाए हैं। आपको और बड़ा चाहिए और चौड़ा चाहिए तो अपने हिसाब से आप लोग बना सकते हैं। तो हम यहाँ तक बनाए हैं, अब इसके बाद से हम इसमें साइड से झालर बनाएंगे। तो झालर बनाने के लिए हम वाइट कलर से झालर बनाएंगे, तो ऐसे गाँठे लगा के और कहीं से ही बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ ये दो चेन जो किए हैं यहाँ से ऐसे बांध लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात सेवन चेन कर लेंगे और यहाँ पे मिडिल में ये जो जगह है यहाँ पर ऐसे जॉइंट करेंगे, फिर से सेवन चेन, एक दो तीन चार पाँच छः सात सेवन चेन और ये दोनों के बीच में जॉइंट कर लेंगे ऐसे, फिर सेवन चेन करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात सेवन सेवन चेन करेंगे और यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे ऐसे जॉइंट करेंगे। तो हम पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं बना के। तो देखिए हमने ये चारों तरफ से बना लिया है, एक राउंड पूरा बना लिए हैं, यहाँ ला के हम इसमें जॉइंट करेंगे और उसके बाद से जो पहला चेन बनाया है इसमें जॉइंट करेंगे और यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच फाइव चेन करके अब यहाँ पे पफ बनाएंगे हम, एक दो, आपको चाहिए तो झालर कट करके लगा सकते हैं इसमें, तीन चार और एक इसमें ले लेंगे पाँच, फिर ऐसे बांध लेंगे और उसके बाद से ये चेन को इसके ऊपर चढ़ा के हम ऐसे बांध लेंगे, फिर एक दो तीन चार पाँच फाइव चेन और दूसरे वाले चेन में फिर ऐसे जॉइंट करेंगे हम और उसके बाद फिर एक दो तीन चार पाँच और फिर सेम चीज़ें जैसे बनाए वैसे ही बनाना है। यहाँ पर भी ढाई को खींचेंगे, पफ बना लेंगे ऐसे, दो तीन चार पाँच, फिर इसके नीचे से ऐसे निकाल लेंगे, ये बांध लेंगे और इस चेन को इसके ऊपर चढ़ा के हम ऐसे बांध लेंगे, फिर एक दो तीन चार पाँच, फिर फाइव चेन, फिर दूसरे वाले चेन में हम ऐसे। तो ऐसे ही पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे और यहाँ ला कर फिर ज्वाइंट करके कट कर लेंगे। तो हम ये कंप्लीट कर ले। तो देखिए हमने चारों तरफ से बना के तैयार कर लिया है। ये डिज़ाइन कैसा लग रहा ज़रूर बताइएगा, पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो डिज़ाइन कैसा लग रहा ज़रूर बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।